आर्यन से बात करती हूँ। आर्यन ही हैं जो शबाना खाला को रोक सकते हैं। आर्यन आपसे एक बात कहूँ? क्या बोलो, क्या बात है? वो शबाना खाला मुझे किसी दूसरी डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहती है। वैसे मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है, चली जाओ। ओफो आर्यन, मैं आपसे इजाजत नहीं मांग रही। मैं तो आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप शबाना खाला को मना कर दें। मैं मना कर दूँ? अगर क्यों? वो इसलिए कि जब मेरा चेकअप ठीक ठाक हो रहा है तो किसी दूसरी डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अम्मी अपनी तसल्ली के लिए कह रही है तो तुम चली जाओ। एक दफा हो क्या जो क्या जाता है। क्या सोच रही है? नहीं कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, कुछ मैसेजेस हैं वो देख रहा हूँ। जी मॉम, आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ बैठो। जी मॉम बोले। ये लो। ये क्या है मॉम? ये तुम्हारे खुला के पेपर्स हैं, मेरे पास काफी दिनों से रखे थे, तुम अभी और इसी वक्त इस पे साइन करो। ये सब क्या हो रहा है? फवाद, मॉम मुझसे साइन करवा रही हैं डाइवोर्स पेपर्स पर। खुला के पेपर्स? मम्मा? हाँ हाँ, मैं आयजा को सारिम से खुला दिलवा रही हूँ। लेकिन क्यों मम्मा, आप अभी भी उसी अंदाज में सोच रही हैं? हाँ हाँ, इंसान की सोच ही उसको मंजिल तक लेकर जाती है, और इंसान की सोच अच्छी हो ना तो मंजिल भी खूबसूरत होती है। मम्मा अब तो आप कम से कम अच्छे और बुरे इंसान में फर्क करना सीख लें यार। मैं वही कर रही हूँ फवाद, मैं सारिम से आयजा की खुला करवा रही हूँ और अली से उसकी शादी कर रही हूँ, क्योंकि अली बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन मॉम। लेकिन कुछ नहीं, तुम साइन करो उसके ऊपर। मैं ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, ना होंगे पेपर ना होगा साइन। ये क्या बदतमीजी है फवाद? ये बदतमीजी नहीं है मामा, आपकी जिद ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया है। अपनी हद में रहो फवाद, आयजा मेरी बेटी है और उसकी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। और तुम क्या समझते हो, क्या मैं इसकी खुला सारिम से नहीं करवाऊंगी? मैं बिल्कुल करवाऊंगी और दूसरे पेपर बनवाऊंगी और तुम्हें उस पे साइन करने पड़ेंगे, समझे तुम? मैं भी देखता हूं कि वो साइन कैसे करती है। चलो आयजा। फवाद, आयजा। हमार, उठे ना, देखे शाम हो गई। फिर ये तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों हर वक्त एक थानेदार बनी रहती हो मेरे लिए? मैं तो आपसे सिर्फ यही कह रही हूँ कि देखे शाम हो रही है और मौसम कितना अच्छा है। क्या सुबह और क्या शाम, सारे वक्त तो एक जैसे मेरे लिए। वो तो मैं आपसे कहती हूँ, सूरज सुबह ही निकलता है और शाम को गरूब होता है, तो फिर आपने तमाम वक्त को अपने लिए एक जैसा क्यों रखा हुआ है?
तो मैं क्या करूंगा? मैं कर भी क्या सकता हूं? आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? हमारा इतना बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा बिजनेस तो है ना। क्या करूंगा मैं इस छोटे से बिजनेस के साथ? हमार, आप अपनी मेहनत और हिम्मत से इस छोटे से बिजनेस को बड़े कारोबार में तब्दील कर सकते हैं। हमार, प्लीज उठे उठे और जिंदगी की तरफ आए। मुझे अब कोई बिजनेस नहीं करना। कुछ भी नहीं करना चाहता। मेकअप की लिस्ट तो मैंने बना ली, बात रह गई अब सूट की, तो वो तो महरीन के साथ ही जाके लाऊंगी। कितनी उम्र है इस लड़की की, फोन आ गया इसका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, जीती रहो, मुस्कुराती रहो और सदा सुहागन रहो। क्या बात है अम्मा, आज तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। अरे भाई, बात ही बहुत खुशी की है। क्यों, क्या हुआ? तो चल रही है ना बाजार मेरे साथ सारिम के निकाह का जोड़ा लेने के लिए। वाह अम्मा, यहाँ मेरा खुद का निकाह खतरे में और तुम सारिम के दूसरे निकाह पर जाने की बात कर रही हो। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है बेटा, अल्लाह ना करे कि तेरे घर को कुछ हो बिगुल बजा के। अम्मा, कबूतर की तरह आंखें बंद करने से खतरा टल नहीं जाएगा। अगर शबाना खाला को पता चल गया तो क्या होगा? अरे सब मैं तुझसे कह रही हूँ कि कुछ नहीं होगा, तो फिर तू क्यों परेशान हो रही है खामखामे? अम्मा मुझे झूठी तसल्लियां देनी बंद करो, मुझे अब शबाना खाला से कोई नहीं बचा सकता। उधर मेरी हकीकत उनके सामने खुली, इधर मेरा इस घर से पता साफ। अरे हकीकत कैसे खुलेगी, मैं मर नहीं गई, अभी जिंदा है तेरी माँ। ऐसा होने दूंगी तो अपना? क्यों, क्या करोगी तुम? सुन मैं क्या करूंगी, अम्मा तुमने तो कमाल कर दिया, एक ही मिनट में मेरी सारी मुश्किल दूर कर दी। अम्मा तुम सच में बहुत कमाल हो। अरे अब तो खुश है ना बिगुल बजा के? बहुत खुश हूँ अम्मा। अच्छा बेटा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, अब तो जाएगी ना मेरे साथ भाई के निकाह का जोड़ा लेने के लिए। जी अम्मा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। परेशान लग रही हैं, सब खैरियत है? फवाद, जहमात की बहुत फिक्र हो रही। भाई की फिक्र हो रही है, मगर क्यों? वो पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहते हैं और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रहे। भाभी दुख भी तो इतना बड़ा है ना। अच्छा खैर, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो जिंदगी की तरफ वापस आ सकेंगे। फवाद, अब हमें ही कुछ करना होगा। अच्छा, इस वक्त उन्हें हमारी तवज्जो और जिंदगी की मसरूफियात की बहुत जरूरत है, वरना वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं फरिया भाभी, लेकिन अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। फवाद प्लीज कुछ करो, मैं सारी कोशिशें कर चुकी हूँ।
लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। प्लीज प्लीज उन्हें जिंदगी की तरफ वापस लेके आओ, उन्हें बिजनेस में लेके आओ ताकि ताकि वो मसरूफ रहें। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं भाई से बात करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो जिंदगी के मामला में इन हो जाए। थैंक यू फवाद। यू वेलकम। अरे तुम आओ आओ बैठो। क्या बात है सलमा, इतने हंस हंस के किससे बातें हो रही थी? अरे क्या मजाक वाली बातें कर रही हो, अब इस उम्र में मैं किससे बातें कर करके मुस्कुराऊंगी बिगुल बजा के? मुझे क्या पता किससे बात कर रही थी, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। अरे कोई बात नहीं, पूछ लिया तो, वो दरअसल महरीन से बात कर रही थी, उससे बात बात कर लेती हूँ ना तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है मेरा बिगुल बजा के। अच्छा क्या कह रही थी महरीन, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी माशाल्लाह से अपने घर में आबाद है और खुश है बिगुल बजा के। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैरिन कब आ रही है यहाँ? अब देखो एक दो दिन में बोल रही थी कि आऊंगी, फिर जोड़ा लेने जाएंगे निकाह का। सलमा ये तो ठीक है, मगर मेरा ख्याल है कि, अरे हाँ हाँ बोलो, रुक क्यों गई? मेरा ख्याल है कि ये सब तैयारी करने से पहले अगर तुम सारिन से एक मर्तबा पूछ लो कि वो इस रिश्ते से राजी है या नहीं तो। ज़हद करती हो तुम भी शकीला। अरे भी कितनी बार बताऊं कि सारिन से मैं बात कर चुकी हूँ, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए ना एक बार फिर पूछ लूंगी बिगुल बजा के। शरबत लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। आए रब्बा तेरा। आई। बोलो फवाद क्या बात है? क्या बोरियत है भाई, और आपने खुद को कमरे में ऐसे क्यों बंद किया हुआ है? तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? अब ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करें? अरे उठे हंसे बोले यार, और हाँ कल से मेरे साथ ऑफिस भी चले। ऑफिस? क्या करूंगा ऑफिस जाके? भाई ऑफिस में क्या करते हैं, काम ही करते हैं ना वो, और वैसे भी मुझसे अकेले बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। सॉरी फवाद, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता। हाँ अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो मॉम से ले लो, आई एम श्योर तुम्हारी हेल्प कर देंगे। भाई मुझे मम्मा से हेल्प नहीं चाहिए, मुझे मेरे उस भाई से हेल्प चाहिए जिसने मुझे चलना सिखाया जिंदगी में भी और बिजनेस में भी। लेकिन फवाद मैं अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी चीज मेरे हाथ में आती है मैं उसे बर्बाद करके रखती हूँ। भाई क्या हो गया है आपको? मैं कुछ भी नहीं, काबिल ही नहीं रहा, हर चीज तबाह बर्बाद कर देता। कुछ नहीं होता भाई, संभाले खुद को यार, सब ठीक हो जाएगा और मैं हूं ना आपके साथ। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों? पता नहीं फरिया भाभी, मॉम ने अभी तक अपना फैसला नहीं बदला, वो आज भी सारिन से मेरा खुला करवाना चाहते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मॉम ने कुछ कहा है क्या? हाँ फरिया भाभी, मॉम खुला के पेपर्स लेकर आई थी मेरे पास साइन करवाने के लिए। फिर तुमने क्या जवाब दिया?
मैं क्या जवाब देती फरिया भाभी? वो तो अच्छा कि उसी वक्त फवाद आ गया और उसने मॉम से सारे पेपर्स लेके फाड़ दिए। तो बहुत ही बुरा हुआ। फिर तुमने क्या सोचा है? पता नहीं फरिया भाभी, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आयजा, ये एक ऐसा फैसला है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही करना होगा। अब तुम खुद बताओ कि तुम क्या चाहती हो। अगर तुम वाकई सारिम के साथ रहना चाहती हो तो जल्दी कोई फैसला कर लो। और मॉम फरिया भाभी, मैं मॉम को भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। आयजा, तुम्हें उन दोनों में से सिर्फ एक का इंतखाब करना होगा और तुम जल्द ही कोई फैसला कर लो, वरना तुम्हारे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे।